हाल ही में अफ्रीका के कांगो में एक मरीज में हेमोरहेजिक फीवर के लक्षण दिखे। इसके बाद मरीज को आइसोलेट कर दिया गया और उनके सैंपल इबोला टेस्ट के लिए भेज दिए गए। इस दौरान तमाम मेडिकल एक्सपर्ट एक सवाल से जूझ रहे थे कि क्या होगा अगर महिला को इबोला ना हो, क्या होगा अगर महिला किसी नए वायरस से पैदा होने वाले डिजीज एक्स की पेशेंट जीरो हो, और अगर यह बीमारी कोरोना की तरह तेजी से फैलने वाली हो और इबोला की तरह जान लेने वाली। डिजीज एक्स में एक्स अज्ञात है, यानी एक अज्ञात बीमारी जो आने वाले वक्त में दुनिया में फैल सकती है। दुनिया के जाने माने मेडिकल साइंटिस्ट का कहना है कि डिजीज एक्स का डर जायज है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कांगो की मरीज के डॉक्टर डेविड बोंकोले कहते हैं कि नई महामारी की बात काल्पनिक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर पैदा हुआ डर है। वे कहते हैं कि इबोला के बारे में भी किसी को नहीं पता था, कोरोना के बारे में भी नहीं। हमें नई बीमारियों से डरना चाहिए। 1976 में इबोला वायरस की खोज में मदद करने वाले प्रोफेसर जीन जेस्क्विज म्यूम्बे टेम्फन कहते हैं कि अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट से नए और संभावित रूप से खतरनाक वायरस के फैलने का खतरा है। इबोला की खोज के बाद से प्रोफेसर टेम्फम नए वायरस की खोज में भी लगातार जुटे हुए हैं। प्रोफेसर टेम्फम कहते हैं कि अब हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां नए वायरस आएंगे और इसी वजह से इंसानियत पर खतरा भी बना रहेगा। कांगो के यामबुकु मिशन हॉस्पिटल में पहली बार रहस्यमय बीमारी की पुष्टि इबोला के रूप में हुई थी और तब हॉस्पिटल के 88% मरीज और 80% स्टाफ की जान इबोला ने ले ली थी। वही रहस्यमय बीमारी से जूझ रही कांगो की जिस महिला का सैंपल हाल ही में इबोला टेस्ट के लिए भेजा गया था वह नेगेटिव आया है। इसकी वजह से उनकी बीमारी आज भी रहस्य बनी हुई है। साथ ही अफ्रीका के कांगो में नए खतरनाक वायरस के फैलने का खतरा भी महसूस किया जा रहा है। कांगो में रह रहे प्रोफेसर जीन जेस्क्विस मुयम्बे टेम्फम का कहना है कि इंसानियत के ऊपर ऐसे वायरस का खतरा बना हुआ है जो जानवरों से इंसानों में पहुंच सकता है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।